पिताजी अब वो इस बच्ची को नहीं चाहते, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। जी बेटा, अगर वो बच्चे को नहीं चाहते, क्या चाहते हैं वो, क्या कहते हैं? पिताजी वो लड़का चाहते हैं, अब आप ही बताओ, लड़का मेरी किस्मत में है नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं? नहीं बेटा, ऐसा आपकी किस्मत में कुछ नहीं है ऐसा। असल में लड़का लड़की होना आदमी के हाथ में होता, औरत के हाथ में नहीं होता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आप सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे बेटा। अब इसे अपना तो रहे हैं परिवार वाले, रख तो रहे हैं बेटी को? पिताजी मैं रख रखी है जबरदस्ती, वो तो नहीं चाहते। नहीं वैसे कुछ कहते तो नहीं ऐसा? नहीं पिताजी तो नहीं कहते, वैसे ताने मारते हैं कि तू डेरे में जाती है, हमारी नहीं मानती इसीलिए लड़का नहीं होता। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और आप सुमन करना, मालिक करेंगे रहमत। और आपके पति नाम ना हुआ है? हाँ पिताजी आए हैं साथ। हाँ पिताजी, वो क्या नाम है? सर पिताजी अभय सिंह है, यहीं पे। अभय सिंह जी? हाँ जी हैं जी। अभय सिंह जी, जी अभय सिंह जी, आप ऐसे कीजिए, डॉक्टर साहब हैं उनसे मिल लीजिए, कुछ दवाई की जरूरत नहीं है, एक एडवाइस है, आप सुनिएगा, और मालिक ने चाहा तो रहमत होगी। आप सुमन करना बेटा, भगवान जरूर कृपा करते हैं। जी बैठ जाए बेटा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, 2006 में पिताजी आपसे नाम दान लिया सिरसा जाके। जी बेटा। और मेरी 15 साल से नेत्र ज्योति रही है, मेरी नेत्र ज्योति अचानक चली गई, एक बच्चा पेट में, लड़की पेट खत्म हो गई, उससे पहले चल गई थी पिताजी, 7 दिन कोमा में चली गई, और कोमा से जब सेंस में आई मेरी नेत्र ज्योति चली गई, MA BEd पास हूँ पिताजी, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया, सब तरफ से निराश हो गया, आपके पैरों में आके गिरी हूँ पिताजी, रहमत करे। जी बेटा, आप एक तो दिन रात सुमन करना बेटा, और दूसरा यहाँ अपने डॉक्टर आए हैं, आंखों के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो एक बार उनको मिल लें बेटा। आप घबराएं नहीं, टेंशन ना लें बेटा, हिम्मत रखते हैं, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मर्दा मत देखोदा। सो आप घबराएं ना बेटा, बिल्कुल टेंशन ना लें, और यहाँ मिल लें बाद में, और प्रसाद भी ले लें। दान दान सतगुरु तेरा इतना, मैं माया इंसा जयपुर चल रही हूँ पिताजी। हाँ बेटा। मैं आप 2 अक्टूबर को नाम दान लिया था आपके यही डेरे में, वो मैंने 10 जनों को जुड़ा दिया नाम से, पर पिताजी एक जना मेरा भाई छोटा वो भाग गया, और मैं यहाँ जयपुर से 4-5 जनों को कल और लेके आ रही हूँ, पिताजी मुझे रहमत करो। और मेरे भाई आए हैं आपके? नहीं पिताजी, मैं अकेली आई हूँ, मेरी लड़की को साथ लेके आई हूँ, और मेरे पति बहुत दान करते हैं, आपसे नाम दान लिया जैसे मेरे घर में सारी खुशियां आई है, और ऐसे नाम दान मतलब दान देने के लिए बख्शीश दो भाई। जी बेटा, घर में खाना बनाए, जो भी आप बनाते हैं बेटा, सुमन करके बनाते रहिए, मालिक जरूर रहमत करेंगे, आशीर्वाद बेटा। दान दान सतगुरु तेरे आश्रम पिता रहमत करना। हाँ जी बोलो बेटा। पिताजी यहाँ से मेरे सेवा करके जा रहे थे दोनों जनों थे, मैं तो बस में चले गए, वो है जो पिकअप से गए थे तो एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टरों ने है जो को जवाब दे दिया कि इनका बचने का चांस नहीं है, फिर पिताजी है जो को मैं आपको रात दिन से मरती रही, मैं और बच्चे तान देने लगे, पिताजी का जाती है क्या करती है, अभी भी वही बात है, और इनको है जो को थोड़ी सदबुद्धि दो मालिक, ये ठीक नहीं है अभी। जी बेटा, आप कुछ भी ना कहें, कहाँ आए हैं साथ? मतलब साथ आए? हाँ साथ आए। क्या क्या बात है, क्या कहते हैं? न तो इनका हाथ पैर ही रहते हैं, टट्टी पेशाब ये सही कर देते हैं, अरे ठीक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठे रहने दे बैठे रहने दे, इनको प्रसाद दिलाना बेटा, अभी बीमारी का बोला है, कोई भी बीमार है प्रसाद दिलाएं, और सुन करके बेटा उन्हें आना दे। आप बात कराने वाले भी ध्यान रखें, बीमारों के लिए एक वचन हो चुका है बेटा, फिक्र ना करें, एक ही बात है, एक बार कह दिया बार बार उसी बात का वही जवाब है, और कोई बात नहीं, उससे उसकी जगह और दो लोग बात कर लेंगे। दान दान सतगुरु तेरा यसरा पिताजी, मैं जयपुर से सुशील सा बोल रही हूँ जी। हाँ बेटा। पिताजी पिछली बार जयपुर आए थे तो मैं तो करिश्मा बता रही थी आपको जी, तो पिताजी आपकी तो बहुत लिहाज है बापू, तो आप बताए कि पिताजी आप बोले कि बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाओ, तो पिताजी मैंने उन्हें बैंक की तैयारी करवाई है, तो पिताजी बैंक में उनका नंबर आ गया है जी, पिताजी इंटरव्यू बाकी है पिताजी, वो बच्चा बोला मम्मी बोले 40 लाख की लगी है तो 5 लाख लेंगे, मेरे कहाँ नंबर आएगा, तो बेटा तेरे को पिताजी पे विश्वास है तो आगे ये बात मत कहना ठीक है मम्मी, तो उनका नंबर पिताजी आ गया, अब इंटरव्यू बाकी है जी। वो भगवान है बेटा, अगर उस पर दृढ़ यकीन है तो बेटा वो वाकई हर कार्य में इंसान की मदद करते हैं, तो उन्हें कहें जिसने नंबर दिला है सुमन करें, मेहनत करें, तो वो ये भी करवा सकता है बेटा, करवाने वाला राम, आशीर्वाद बेटा।
धन धन सतगुरु तेरा यारा पिताजी सावित्री निशा जयपुर बोल रहे हो। पिताजी एक दिन सपने में आए थे आप और सपने में ऐसी कोई बात बताई मेरे पति जी को कि पता नहीं क्या बात थी, मैं बता नहीं सकती हूँ पिताजी जी बेटा। तो फिर मैंने उनको पूछा बात, बोले आपको नहीं बता सकती, बहुत बुरी बात है पिताजी, मेरे दिमाग से उतर रही है। और दूसरी बात पिताजी, जो एड्रेस आपने जन्म मंजलिस में सुबह दिख गए मुझे आप उसी में, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और एक तरफ से मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई है पिताजी, पता नहीं क्या। बेटा ऐसा है, अगर वो मालिक ही दर्शन देने वाले हैं और अगर दर्शन देके कोई ऐसी बात कहते हैं तो समझ लो आपका भयानक कर्म कट गया और कोई बात नहीं होती। सो आप सुमण करें, बिल्कुल टेंशन ना लें बेटा, वो मालिक कर्म काटने वाले हैं, वो किसी न किसी तरीके से जीव के काटते रहते हैं जो राम नाम जपते हैं। तो एक एक बात करा दें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा यासा, नाम मेरो सजना से अमृतसर से आई चू और दो लेटरिंगा खाड़ा था, एक गाजा बीके 25 फुट से मुझसे ले गई थी और पिता आपका दर्शन हुआ तो पिताजी मेरे को आपको बाहर निकाल लिया जी। बेटा मालिक ही निकालते हैं बेटा बाकी, और आप सुमण करते हैं बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पिताजी एक बारी चाहिए जो मैंने दर्शन याद किया आया पिताजी, मैं जयपुर से आई तो मानसरोवर से जी बेटा, गीता इंसा मेरा नाम है पिताजी, मेरे सब नाम रखे आदमी नहीं लेता है, सबको परेशान करता है पिताजी, आप ऐसी वो रहमत वर्ष का वो कली नाम लेने आ जाई पिताजी, वो ये कि बच रहे हैं। और जी बेटा आप सुमण करना, मालिक से प्रार्थना करेंगे। पिताजी आप दर्शन दिए थे मेरे को पिताजी, मैं मेरे सास ससुर रामदेव जी की फोटो ले आए थे पहली, मैं सोची ये रामदेव जी क्या, पिताजी रामदेव जी बोली राम पाचिप के ऐसे देखे बेटी बेटी नारा लगा, नारा लगाई पिताजी आप बोले, मैं बोली पिताजी दहन दन सुरु तेरा आसरा पिताजी, थे बोले बेटी मैं 5 वर्ष हूँ पिताजी, 4 साल हो गई आप तो अब तक भी नहीं आए, अर्शन भी नहीं आए बेटा। सुकन्या और आप टेंशन ना लेना बेटा, जब चिंताग्रस्त हो जाते वो माली है फिर मुश्किल हो जाता है दर्शन दीदार, सुमण करना बेटा। बाकी बहने शोर नहीं करना क्योंकि बात सभी की तो हो नहीं सकती, जितनी हो गई हो गई, बाकी फिर से देखेंगे। आप बैठ जाए बेटा, बाकी जिनकी बात नहीं। तेरा आसरा पिताजी, पिताजी मैं जयपुर को लिए टोंक जिले से आई हूँ, मेरे पति मैंने घर से निकाल दिया, घर से निकाल के मेरा बच्चा को छीन लिया, मैंने घर से निकाल बच्चा को छीन के वो नौकरी करते है जिले मुंशी कोर्ट में, अजमेर कोर्ट में। तो मैं वो दूसरी औरत को ली और शादी कर लिया, अब मैं क्या करूँ पिताजी, आपसे आशीर्वाद। बहुत कुछ होता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता, आप घबराओ बिल्कुल ना, कमजोर मत पड़ो, और आप पच्ची मेंबर बहने उनसे मिलो और आपके साथ साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे, मालिक से भी दुआ करेंगे, आप मिल लीजिए इधर। तो बाकी बहने बैठ जाएं और बाकी की बात नहीं है बेटा, बैठ जाएं, इतनी ही बात है कि अब विदेशों से बात करने वाले हैं जो रोजाना रूटीन में करते हैं, अलग अलग देशों से आज हैं, हौसलो यूके इंग्लैंड से और एडमिंटन कैनेडा। हाँ बोलो बेटा, आप स्क्रीन पे हमें नजर हो, बोलो करो बात। राम नाम सतगुरु तेरा ही आशा जी। जी मेरे गलतियां छुटियां बड़ियां बहुत हो गई, जी माफी चाहते बचना से तो नहीं गलती हुई। हाँ जी जी अंदर बहुत गलतियां हो गई बेटा, आइंदा गलती ना करें और नारा लगा लगातार सुमन करें। दान सतगुरु तेरा ही आशा कार भाई इधर बात करना चाहते रहे। हाँ करा दें बेटा। अरे पिता जी यूके नारा कबूल करो जी, दान दान जी आशीर्वाद रेशम जी, आशीर्वाद बेटा। कार भाई जी कराना चाहते बेटा, कराएं बेटा जल्दी से। तेरा ही जानना सतगुरु तेरा ही आशा जी। हाँ जी बोलो।